दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पीजीटी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। झारखंड में जेएसएससी पीजीटी का फॉर्म आया हुआ है और इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। और ये समस्या है दोस्तों कि कुछ विषयों जैसे पॉलिटिकल साइंस और जितने भी क्षेत्र लैंग्वेज हैं उनके सीटों पर जो पद सृजन करना था इस बहाली में नहीं किया गया है। बाद में की जाएगी वो अलग बात है, लेकिन अभी जो फॉर्म भरा रहा है इसमें आप जाके देखते हो तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं जो आया था नोटिफिकेशन में वही है, और जिनकी मांग की जा रही थी सरकार ने आश्वासन दिया था कि पद को सृजन करेंगे, क्षेत्र लैंग्वेज जितना भी है उसमें उर्दू हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और जो सिविक्स पढ़े हैं उनका उन सीटों में बहाली आने की बात थी। छात्रों ने आंदोलन किया था तो मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं आया हुआ है। अब आएगा या नहीं अलग बात है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। मैं आज जब फॉर्म भर रहा था किसी का तो मैंने देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। देखिए ये इस प्रकार आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, यहाँ पर सारा डिटेल भरना है। और देखिए जब आप पूरा नीचे चल जाते हो, यहाँ पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला डिटेल में चल जाते हो ये वाला में, तो यहाँ पर सिलेक्ट वाला में जब आप ओके करते हैं तो देखिए मैंने ओके किया तो यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी से लेकर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, संस्कृत, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश है, यानी इतने ही लैंग्वेज हैं। गिन के देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मात्र 11 सब्जेक्ट है। लेकिन छात्रों का मांग था कि पॉलिटिकल साइंस का भी इसमें बहाली होना चाहिए, उर्दू का भी होना चाहिए, जितने भी क्षेत्र लैंग्वेज है खोरठा का भी होना चाहिए, सारा का होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर बात ये आती है, सरकार ने तो आश्वासन दिया कि पद सृजन होगा, लेकिन क्या इसी बहाली में होगा, पीजीटी के इसी बहाली में होगा या नेक्स्ट बहाली में होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फॉर्म तो अब भराना स्टार्ट हो गया है, अगर दोस्तों इसी बहाली में लागू करना रहता तो अभी तक आ जाता। अब छात्र फिर से आंदोलन पक्का करने वाले हैं, धरना वरना ज़रूर देंगे मुझे पता है, और आगे क्या होता है ये देखने वाले बात होगी। बाकी बात यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आसानी से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इंडियन हो कि नहीं, आपका नाम देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, माँ का नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, पापा का नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आप झारखंड के हो, लोकल रेसिडेंट हो कि नहीं वो देना है, मैट्रिकुलेशन झारखंड से किए हो कि नहीं वो यहाँ पर देना है, वैकेंसी टाइप आप जो है यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर और बोथ, तो आपको रेगुलर जो भी आपके लिए जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो वो देना, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, एड्रेस देना है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है, वो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, नीचे कहाँ पर दिक्कत होता है बता दीजिएगा, है ना। हाँ यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, आर यू अंडर रेगुलेशन 2007 और 2014, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 50% मार्क्स है तो यहाँ पर यस दीजिए, और कौन सा ईयर है तो यहाँ पर आपको 14 देना है, अगर आपका 45% मार्क्स है तो यहाँ पर 9 दीजिए, ठीक है, यहाँ पर यस दीजिए, और 2007 दीजिए क्योंकि 2007 रेगुलेशन के अनुसार आपका 45% होना चाहिए, और अगर 50% है तो आप दीजिए 2014, सिंपल सब बात है पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है ब्राउजर पारा नंबर 6 का क, जो आपका ब्राउजर है यानी व्यूअर निका जिसे कहते हैं उसका 6 का क में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा ये 2007 और 14 क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई कन्फ्यूजन होगा तो कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।